नमस्कार, ये द्राक्षा रिष्ट है, ये आप किसी भी कंपनी का लेके लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर क्या-क्या द्रव्य होते हैं, कौन-कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे किस-किस बीमारी को ठीक करने में हमारी मदद करता है ये भी बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। इसकी मात्रा होती है 3 से 6 चम्मच। 15 ml से 30 ml तक आप इसको एक कप पानी में मिला के सुबह शाम इसका इस्तेमाल खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, भोजन के इस जो बाद कई बीमारियों में बताया जाता है, कई बीमारियों में भोजन से पहले बताया जाता है, और कुछ बीमारियों में दिन में 2 बार बताया जाता है, कुछ बीमारियों में 3 बार, कुछ बीमारियों में 1 बार भी इसका इस्तेमाल बताया जाता है। इसका इस्तेमाल हम नियमित रूप से करते रहें तो कभी ये नुकसान नहीं करेगा। जरूर से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें तो अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। इसका इस्तेमाल करने से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही इस औषधि का इस्तेमाल करने से कोई आदत पड़ जाती है। इसके बाद मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसमें इसका इस्तेमाल करने से कई लोगों को हल्का फुल्का नशा आता है, क्योंकि इसके अंदर मुनक्का का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उनको नींद भी अच्छी आती है, हल्का फुल्का नशा भी महसूस होता है। मगर ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को ये दिक्कत आती है, तो इसलिए इसका घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। द्राक्षा रिष्ट में मेन द्रव्य जो डाला जाता है, जिसे जड़ी बूटी कहते हैं, वो मुनक्का डाला जाता है। मुनक्का को दाख भी कहते हैं और द्राक्षा के नाम से भी जानते हैं। और रिष्ट और आसव में अंतर मैं आपको बताता हूँ। रिष्ट को हमेशा जड़ी बूटी को उबाल के काढ़ा बनाया जाता है, उस काढ़े को 1 महीने के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, और आसव को वैसे ही जड़ी बूटियों के साथ पानी के साथ किसी भी चीनी मिट्टी के बर्तन में, सागवान के पीपे में या ड्रम में डाल के 1 महीने तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद उसे छान के इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आसव ऐसे भी हैं जो अरिष्ट की तरह ही बनाए जाते हैं, जैसे कि द्राक्षासव हो गया, कुमारी आसव हो गया। नाम तो आसव है मगर वो रिष्ट की तरह ही बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे द्राक्षा रिष्ट में मुनक्का डाला जाता है, वो मान के चलिए मेन द्रव में 3 किलो 100 ग्राम मुनक्का डलता है, बाकी जो अन्य द्रव इसके सहयोगी में डलते हैं वो 50-50 ग्राम डलते हैं, और ज़्यादा गुण इसके जो होते हैं मुनक्के के ही होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी द्राक्षा रिष्ट रखा गया है। अब मैं आपको ये बताया तो इसका कितने समय इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इसका 1 से 3 महीने इस्तेमाल करने से ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जो लोग एनीमिया से परेशान हैं, उनकी त्वचा पीली सफ़ेद, शरीर की त्वचा पीली सफ़ेद नज़र आती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि द्राक्षा रिष्ट 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द उनके खून की कमी की शिकायत दूर हो जाएगी और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग बार बार गले के इन्फेक्शन से परेशान होते हैं, टॉन्सिल्स की शिकायत हो जाती है, गले में फेरेंजाइटिस हो जाती है, खराश होती है, गला बार बार बैठ जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 कप गर्म पानी में 3 से 6 चम्मच आप द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से बहुत जल्द गले की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन लोगों का वात दोष बढ़ा हुआ है या पित्त दोष बढ़ा हुआ है या कफ दोष बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसे 3 दोष नाशक भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल करने से तीनों दोष अपने संतुलित मात्रा में आ जाते हैं। इसको 1 कप गुनगुने पानी 3 से 6 चम्मच मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से तीनों दोष शांत हो जाते हैं और हमेशा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जिन लोगों को बार बार यूटीआई इन्फेक्शन की शिकायत होती है, मूत्राशय में इन्फेक्शन संक्रमण बार बार होता है, पेशाब में जलन रुकावट होती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा आधा कप पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द मूत्र से संबंधित विकार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जिन पुरुषों का वीर्य कम बनता है, वीर्य में गाढ़ापन नहीं है, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में वीर्य बनने लग जाता है, वीर्य में गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। जिन लोगों का बार बार मुंह सूखता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा आपके लिए भी द्राक्षा रिष्ट बहुत फ़ायदेमंद है। 1 कप पानी में 3 से 6 चम्मच मिला के सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो हमेशा कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, उन के लिए भी 1 कप पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से शरीर में ताकत भी बढ़ती है और हमेशा शरीर ऊर्जावान बना रहता है।
जो लोग दमे से परेशान है, मौसम बदलने पे धूल धुएं से उनको बार बार सांस की समस्या परेशान करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा एक कप गर्म पानी में थोड़ा सा एक चम्मच शहद मिला ले, 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से अस्थमा की शिकायत बहुत जल्द दूर हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उन लोगों को कहना चाहूँगा सुबह शाम 1 कप पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाती है। जिन लोगों को बार बार दस्त लगता है, संग्रहणी से परेशान है, उन लोगों के लिए भी 1 कप पानी में द्राक्षा रिष्ट 3 से 6 चम्मच मिला के इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है और संग्रहणी की शिकायत, बार बार दस्त की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन लोगों को बार बार बुखार की शिकायत तंग करती है, हमेशा बुखार शरीर में बना रहता है, हाथ से पैरों से भड़क निकलती रहती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 कप गर्म पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1/2 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बार बार रहने वाले बुखार की शिकायत से छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत तंग करती है या एनल फिशर की शिकायत तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 कप पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बवासीर की शिकायत दूर हो जाती है। उन लोगों को कहना चाहूँगा देसी घी थोड़ा सा गर्म करके गुदा द्वार में रुई की सहायता से लगाने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो लोग बार बार सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा इसका इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दे। जिनको छींकें बहुत आती है, साइनस एलर्जी से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 कप गर्म पानी लेके उसमें 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट डालें और सुबह शाम नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपकी बहुत जल्द बार बार होने वाले सर्दी जुकाम छींकों और एलर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग शरीर में टीबी की शिकायत से परेशान है, जो भी दवाई आप खा रहे हैं वो अंदर गर्मी करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा वो दवाई खाएं, साथ में आप द्राक्षा रिष्ट 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम भोजन के 1/2 घंटे बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे बहुत जल्द आपकी टीबी की शिकायत दूर हो जाएगी और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी आपके शरीर पर नहीं होगा। जिन लोगों के दांत कमज़ोर है, मसूड़ों से खून आता है, मुँह से बदबू आती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर पेट की खराबी से होता है और दांत में हड्डियों में कैल्शियम कम होने के कारण होता है, या जिन लोगों की हड्डियां कमजोर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, इन सभी लोगों को कहना चाहूंगा 1 कप गुनगुने पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद नित नियम से लेना शुरू कर दें तो बहुत जल्द दांतों की समस्या, मुंह की समस्या, हड्डियों की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को सूखी खांसी, बलगमी खांसी, हुपिंग कफ एलर्जी जिसे काली खांसी बोलते हैं, बार बार तंग करती है, बहुत परेशान रहते हैं, 1 कप गर्म पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट मिला के चाय की तरह धीरे धीरे करके पिए और नित नियम रोजाना इसका इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द सभी प्रकार की खांसी आपकी दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग दिल की बीमारी से परेशान है और दिल की दवाइयाँ खाते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा जो भी दवाई खा रहे हैं वो अपना खाते रहें, साथ में 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में डाल के द्राक्षा रिष्ट आप सुबह शाम खाना खाने से 1/2 घंटा पहले लेना शुरू कर देंगे तो दिल की नसें नाड़ियां ठीक रहेंगी, उनमें खून दौरा अच्छे से होता रहेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। जिन लोगों के खून में पूरी तरह से तत्व बनते नहीं है, अन्य जो कोशिकाएँ होती हैं पूर्ण रूप से नहीं बनती, कभी कोई कोशिका कम है, कभी कोई कोशिका कम है, खास तौर पर कहना चाहूँगा जिन लोगों के खून में प्लेटलेट्स या अन्य कोशिकाएँ कम ज़्यादा होती रहती हैं तो उन लोगों को कहना चाहूँगा परेशान मत होइए, 1 कप पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षा रिष्ट लेके मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत जल्द खून में सभी कोशिकाएं बनने लग जाएंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लग जाओगे। जो लोग बार बार पेट में कीड़ों से परेशान होते हैं वो रोजाना द्राक्षा रिष्ट लेना शुरू कर दें, उनको बार बार पेट में कीड़े बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कब्ज की शिकायत के कारण कीड़े बनते हैं और दूसरे नंबर में कहीं ना कहीं आंतों में मल रुक जाता है, उसके कारण उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कीड़े की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने से 1/2 घंटा पहले रोजाना दिन में 2 बार लेना शुरू कर देंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ज्यादातर आजकल छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती है, उनकी माताएं उनके पीछे खाना लेके भागती रहती हैं, उन बच्चों की माताओं को कहना चाहूंगा कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए,
बड़े लोगों को भी आजकल भूख कम लगती है, तो मैं सबको बताना चाहूँगा। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को 2 से 3 चम्मच और बड़े लोगों को 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद देना शुरू कर दीजिए, तो आपको आपके बच्चों को भूख अच्छे से लगेगी और जो भी खाएंगे वो भी पचेगा और शरीर का कद भी बढ़ेगा और शरीर तगड़ा भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही है उन लोगों के लिए भी द्राक्षारिष्ट बहुत फ़ायदेमंद है। 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होती है। जिन लोगों को बार बार चेहरे पे पिंपल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ निकलती जा रही हैं और चेहरा दिन प्रतिदिन ख़राब होता चला जा रहा है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले द्राक्षारिष्ट इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और पिंपल्स, झाइयों की शिकायत दूर हो जाती है। जिन लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ की शिकायत है, उनके लिए कहना चाहूँगा 3 से 6 चम्मच द्राक्षारिष्ट 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है, उनमें सफ़ेदीपन जो समय से पहले आ रहा है वो रुक जाता है, बालों में डैंड्रफ की शिकायत भी दूर हो जाती है। जो हमेशा बीपी हाई से परेशान रहते, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले द्राक्षारिष्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत जल्द पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे और बीपी की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमजोर है, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण, उनको बार बार खांसी, जुकाम या अन्य बार बार बीमारियां हो जाती हैं, बैक्टीरिया, वायरस का या फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण या फ्लू का संक्रमण बार बार होता रहता है, उन लोगों को कहना चाहूंगा आप 1 कप पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षारिष्ट मिला के रोजाना खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार लेना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर है, खाते तो बहुत है मगर लगता नहीं है, बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, दिन प्रतिदिन हड्डियां, नसें कमजोर होती चली जा रही हैं, घुटनों से कड़क कड़क की आवाजें आती हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में द्राक्षारिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है, पूरे दिन में एक ही बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, जो भी खाते हैं शरीर में अच्छा लगता है और ताकत बनी रहती है और जोड़ों में लंबे समय तक कभी बाई की शिकायत नहीं होती। जो लोग नाक से मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से जिनको खून आता है या जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय मासिक धर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, उन महिलाओं को कहना चाहूँगा 1 कप ठंडे पानी में जो मटके का पानी होता है उस पानी में 3 से 6 चम्मच द्राक्षारिष्ट मिला के रोजाना सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से आपको रक्त से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे, इनको हम रक्त पित्त की शिकायत बोलते हैं, और महिलाओं को मासिक धर्म 3 से 4 दिन खुल के आएगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगा और जितना आना चाहिए उतना आएगा। जिन लोगों के नाक से, मुँह से, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून आता है वो भी आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। द्राक्षारिष्ट के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान है वो भी बताया तो, जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ है वो द्राक्षारिष्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो द्राक्षारिष्ट का इस्तेमाल मत करें, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो द्राक्षारिष्ट को मटके वाले पानी के साथ इस्तेमाल करके देखें, अगर उनको सूट कर जाए, पेट में गर्मी यहाँ जलन ना हो, शरीर में खारिश खुजली ना हो तो इसका इस्तेमाल करते रहें, अगर उनको पेट में गर्मी या शरीर में खारिश खुजली होने लगे तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें, और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से इससे थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नींद आती है और 1 से 2 दस्त भी आते हैं, इसलिए परेशान मत हो, इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ, धन्यवाद।